से पूर्णत्व भक्ति योगा से भगवान को भगवान को सेवा प्राप्त कर कर सकते सकते, हाँ प्राप्त कर प्राप्त सकते। प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारे, जैसे आपने बोला माता, जो अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब उसमें कोई और अभिलाषा नहीं, देर इज नो अदर डिजायर। तो अनन्य भक्ति हमें संपूर्ण रूप से भगवान के निकट, भगवान के चरणों तक हमें स्थापित करने में सक्षम। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो एक लाइन अगर हम इतना समझ गए कि भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करो, मेरे शरण में रहो, अनन्य भक्ति करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एकमात्र कृष्ण है जो इस तरह से क्लियरली बोलते हैं हमें, मतलब बताते हैं कि तुमको मेरे शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कहीं हम सब लोग ने हमें अब ये इस जगत मूढ़ जगत में, मृत जगत में हम सब लोग कितने परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो सोल्यूशन तो मिलता नहीं है। हम सब लोग क्षणिक सोल्यूशंस के लिए, क्या बोलते हैं, टेम्पररी सोल्यूशंस, टेम्पररी सोल्यूशंस को ढूंढते रहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। ममता माता जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने इसमें ये भक्ति योग बारहवें चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया था कि जी भगवान कहते हैं कि आप अगर तुम अपने चित्त को मेरे अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो, तो तुम गुरु की आज्ञा से भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। ये बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा था ये श्लोका में, ये चैप्टर हाँ, में। यस यस माता जी। और साथ साथ में भगवान ने कहा कि, जब अर्जुन ने कहा कि अगर मन स्थिर नहीं हो तो बोले भगवान क्या, भगवान ने ये भी बताया कि तुम वो कर्म करो जो मुझे तुम अर्पित करो, उसका फल मुझ में अर्पित करो। के तो परायण इस बनो। तरह हाँ, और या फिर अगर उसमें भी नहीं होता है तो वो कर्म करो जो कि और किसी को, जैसे कि मंदिर बनाने के लिए और ये सब जितने भी, और ये वो कर्म करो जिससे कि कृष्ण भावना भावित जो आंदोलन है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार जो महाप्रभु ने आदेश दिया था वो हो सके। तो इस तरह से, लेकिन माता जी, और जो अभी हम सब लोगों ने कहा कि अंततः भगवान ने एक ही चीज बोला है, मेरी भक्ति। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया, बिकॉज सब लोग ऐसा हो नहीं पाएंगे, तो उनके लिए भगवान ने ये बताया, अर्जुन के माध्यम से ये बताया कि तुम ऐसा करो, और हम सब लोग वही कर रहे हैं। एक्चुअली में कहा जाए तो हम सब लोग को थोड़ा अपना जो कृत्य है वो भगवान के लिए समर्पण होना चाहिए। अब ऑफिस भी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हम कर किसके लिए रहे, कृष्ण के लिए कर, यही हमको सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम सब लोग अभी 14th चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता, ओके, अध्याय 12, 2020 अप्रैल। वो क्या नाम हो? इसमें और 2019, 2020, 17, भगवत गीता अध्याय 17, 17 में चला गया, 14, 17, 51। एक मिनट, मैं सोचा था कि ये तो सीक्वेंस में है, लेकिन या तो सीक्वेंस में दिख ही नहीं रहा है मुझे। फोर्थ श्लोक था प्रभु, फोर्थ और 26 ना, 26 नहीं, हाँ माता जी, वो था, मतलब नहीं, यहाँ पे जो मैं आप लोगों से शेयर करता था ना, उसमें वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। 2019 में उन श्लोक नंबर 12, अध्याय 12, और अध्याय यहाँ पे तो सीधा 18 चला है। ओके, 2016 में, 2 मिनट दीजिए माता जी, अभी जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ।
ठीक है, एक काम करते हैं, एक इसमें चले जाते हैं, वेदाबेस में जाते हैं, वो कहीं तो कुछ उसमें मिस हो रहा है, भगवत गीता एज इट इज। ओके, इसमें अभी हम लोग चैप्टर नंबर क्या हो गया, 1 मिनट रहो, मैं शेयर कर रहा हूँ, कर हाँ चैप्टर नंबर 14 प्रभु, मैं वो आ गया है, मैं बस रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, सो नीचे नीचे करी, पता नहीं मेरे में कहाँ चला गया, वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, यहीं रखिए। हाँ लीड करिए, कोई भी है पढ़िए श्लोक का प्रभु जी मैं करिए। करूं। सर्वयोनिषु कौन्तेया सर्वयोनिषु सुकौन्तेया मूर्तया संभवन्ति मूर्तया संबंधी तदा ब्रह्मा मदा योनि नीचे करिए प्रभु। अहम बीजा प्रदा पिता अहम अहम बीजा बीजा प्रता पिता, प्रदा सर्वयोनिषु कौन्तेय संभवन्ति सर्वयोनिषु मूर्तया संबंधी तासां तदा ब्रह्मा मदयोनि अहम बीजा प्रदा पिता तासां ब्रह्म योनि अहं बीजा अहम बीजा प्रता पिता। प्रदा पिता सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा मदयोनि अहम बीजा प्रदा पिता सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संबंधी तासां ब्रह्म अहं बीज प्रता पिता। नीचे प्रभु नीचे ले जाए। हरे कृष्ण। हाँ हाँ पढ़ी पढ़ी। हाँ तात्पर्य प्रभु जी ऊपर का भावार्थ साथ श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। आप देखिए बहुत सुंदर है ये, एक्चुअली मैं सुबह सुबह जब आप प्रभु बात कर बोले प्रभु बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम बोले यस इम्पोर्टेंट श्लोक तो है ही ये। देखिए इसके पहले ना, इसके पहले जो है अर्जुन श्लोका नंबर जो 3 है उसमें पूछते क्या है, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम संभव सर्वभूतानाम तथा भवति भारत। क्या बोलते हैं हे भरत पुत्र, यहाँ पर क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे भरत पुत्र है, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। क्या इसका मीनिंग समझ में आया, ये भरत पुत्र ब्रह्म नामक, ब्रह्म जो हम सब लोग बोलते हैं ना ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत है, मतलब जन्म वहीं से होता है और मैं उसका वो ब्रह्म जो है वो मुझसे ही प्रकट होता है और मैं इसी ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूं, इसी ब्रह्म को मैं गर्भस्थ मतलब गर्भ में धारण करवाता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो अर्जुन सोचते हैं ठीक है, इन्होंने बताया चाहे कोई कितने प्रकार के 84 लाख योनियों के, तो उनके मन में होने लगा जिज्ञासा हुआ कि ऐसी स्थिति में
क्या सभी बद्ध जीवों के श्री कृष्ण ही पिता माने जाएंगे? है कि नहीं, प्रश्न आएगा कि नहीं? गर्भस्थ मतलब गर्भ धारण कराते हैं, गर्भ धारण कराते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कृष्ण सभी जीवों के पिता हैं? तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तुरंत समझ जाते हैं, तो तुरंत समझ जाते हैं, तो उन्होंने कहा, वो बोलते हैं अर्जुन से कि हे भरत पुत्र, यहाँ पर बोलते हे कुंती पुत्र, इसके पहले भरतपुत्र बोलते हैं, अभी बोलते हैं कुंती पुत्र। भरत मतलब भरत के वंशज में है। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि मैं सभी प्रकार के जीवों का क्या हूं, उत्पत्ति स्थान हूं। तो पहला चीज भगवान जो है यहां सीखने का है, लिख सकते हैं, सभी योनियों में जितने प्राणी हैं, योनियों का मतलब 84 लाख योनियों का, उनकी योनि भौतिक प्रकृति है। हरे कृष्णा, सभी योनियों में जितने प्राणी है उनकी योनि भौतिक प्रकृति है। और यहां पर श्री कृष्ण योनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, माता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जितने भी प्रजनन होती है माता से होती है, लेकिन यहाँ पे माता शब्द का प्रयोग नहीं, यहाँ पे योनि बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के लिए माता शब्द का प्रयोग ना करके योनि का प्रयोग करते हैं, क्या कारण हो सकता है? भौतिक प्रकृति जीवों की माता नहीं है, लेकिन भौतिक प्रकृति से भगवान कहते कि गर्भस्थ करके मैं समझता, यह जीवों को उत्पन्न करती है, उनका पालन करती है तथा उनका विनाश भी करती है, परंतु वह प्रकृति श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर ही काम करती है। देखिए, माता कभी अपने बच्चे का विनाश कर सकती है? कोई भी माँ, आप सभी माताएं मेरी हैं यहाँ पर, अपने बच्चों से जितना लगाव आप लोग को होगा, शायद ही किसी जैसे मेरी माँ जो है, तो माता तो कभी विनाश नहीं करते, लेकिन प्रकृति पालन करती है, देख रेख, उत्पन्न भी करती है, पालन भी करती है, और फिर विनाश भी करती है। और ये जीवों को तीन, और ये भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में, भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में होता है, और ये जीवों को तीनों गुण से, त्रिगुण से बांध देती, त्रिगुण का से बंधने का काम प्रकृति का होता है, और प्रकृति के कारण हम सब लोग को कितने प्रकार के कष्ट होते हैं? तीन तरह के तीन प्रकार के क्या क्या है? आदि आदि दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। अध्यात्म। तो तीनों प्रकार के, वो सब मेरे ख्याल से अभी हम उसके ऊपर में ना चर्चा करते हुए इतना है कि ये तीन प्रकार के कष्ट भौतिक प्रकृति के द्वारा ही हमें मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति सभी प्राणियों की योनि अर्थात, लेकिन उत्पत्ति स्थान है। तो जैसे कहा गया था कि एक बार देवता का नाम है मित्र देवता, और वो एक और थे, हाँ, वरुण देवता, इन दोनों ने उर्वशी, उर्वशी कौन है? उर्वशी जो है इंद्रलोक में, अमरावती में, देव, आप बोल सकते देवलोक के एक मतलब अक्षर हाँ अप्सरा है, बहुत सुंदर है, और उनका होना वहां पर, एक कोई भी पूछ रहा था प्रभु जी ये क्या है, तो अरे भाई आप लोग उसके उर्वशी या रंभा या मेनका या फिर और जितनी भी है उनका हम सब लोग थोड़ा सा भी हम लोग समझ नहीं पा सकते, लेकिन ठीक है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उर्वशी इतनी सुंदर थी और ऐसे सभी हैं, तो उनको देख कर ये दोनों देवताओं का, कौन कौन सा बताया? मित्र देवता और दूसरा क्या बताया? वरुण वरुण देवता। इन दोनों वरुण का, हाँ, इन दोनों का वीर स्खलित हो गया, और वो क्या हुआ, एक घड़े में, कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा के अंदर में उसको रख दिया गया, और उससे कौन प्रकट हुए? ऋषि वशिष्ठ और अगस्त ऋषि, घड़े से। इसलिए कभी कभी आप देखिएगा अगस्त ऋषि को हम क्या प्रयोग करते हैं, बहुत बार हम सब लोग सुने हैं, अगस्त ऋषि को बोला जाता है कुंभ योनि, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा से प्रकट हुए। अब बताइए घड़ा, एक बार बताइए, घड़ा से उनका प्रकट हुआ है क्या? कुंभ अगस्त ऋषि की माता है? प्रश्न सिंपल है, घड़ा कभी प्रभु माँ हो सकती है क्या? नहीं, प्रभु हाँ, तो नहीं। इसलिए कुछ भी होकर भी भले प्रभु जी, सॉरी टू, कौन सा श्लोक है ये? 14 स्नेहा, 14 चैप्टर में माता जी, फोर्थ श्लोक, सॉरी मैंने बोला नहीं क्या, फोर्थ श्लोक बोल नहीं पाया, तो हम लोग पढ़ रहे थे ना फोर्थ वाला। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है।
अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो विशेष रूप से अगस्त मुनि का नाम कुंभी होने, अब ये दो प्रकट हुए थे, दोनों का कुंभ से ही प्रकट हुआ, तो इसका मतलब कुंभ उनकी माता हो गई, ऐसा होता है नहीं ना, बल्कि ये योनि है, ये योनि। और श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कौन थे, अजा देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, प्रथा पुत्र, हे प्रथा। प्रथा का मतलब कि एक्चुअली में प्रथा पुत्र इसलिए बोलते थे क्योंकि कुंती कुंती जी का नाम प्रथा था, तो प्रथा के पुत्र को प्रथा पुत्र बोलते थे। अभी बोलते हैं कौनते है, कौनते का मतलब कुंती के पुत्र है, तो कौनते हैं, तो कुंती के पुत्र होने के कारण कौनते कहलाए। उसी प्रकार देखिए, कुंती जी तो अपने पुत्र से अच्छा प्रेम करती थी ना, स्नेह प्राप्त होता था ना, उसी प्रकार का स्नेह बद्ध जीवों को भौतिक प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है या नहीं होता है। अभी तो बोले कष्ट देता है, अभी बोल रहे तीन प्रकार का, कहाँ से स्नेह प्राप्त होगा, वो नहीं है। भगवान बोलते कि योनिया, लेकिन प्रकृति हमारी इसको थोड़ा सा समझना है, प्रकृति ही हमारे सभी योनियों का प्राकट्य है, जन्म वहीं से हो रहा है, लेकिन उसका माध्यम मतलब उसका आगे हम सब लोग देखेंगे। अतः भौतिक प्रकृति जीवों की माता नहीं, भौतिक प्रकृति बद्ध जीवों की माता नहीं है, बल्कि कहा गया है एक्चुअली में, अगर कहा जाए तो हम लोग प्रकृति को किस रूप में जानते हैं, देवी माया महा देवी महामाया, माया महामाया, देवी महामाया, महामाया, पिशाचिनी, बल्कि और लेकिन को बोलेगा कि बद्ध जीव माता नहीं है तो भौतिक प्रकृति, तो बल्कि उनका उत्पत्ति स्थान तो वहीं से है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, गाना लिखे थे ना कोई, आप सब आप लोग में से किसी को गाना याद होगा, जीव जागो गौरचंद बो, माया पिशाचिनी बोले निद्रा जागे निद्रा माता पिशाचिनी रखोले। बोले, तो बोलते क्या, अरे जीव जागो, माया रूपी पिशाचिनी की गोद में क्यों सोए हुए हो। बड़ा सुंदर हमारे ही जोली ने गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का मैंने सुना था, उनसे उनके शिष्यों ने बहुत अच्छा कंपोज करवाया था। तो मुझे जैसे ही मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि माया रूपी पिशाचिनी को पीछे मतलब कोले मतलब बंगाली में है, मतलब कि भौतिक प्रकृति जो हमारे पीछे पीछे आ रही है, पिशाची देवी एक एक्चुअली में ये अपदेवी है जो अपनी गोद में बच्चे को सुलाकर उसका खून पी जाती। मतलब ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें बताने का कोशिश किया है, ये कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा माता का सुख कभी नहीं मिल सकता है, यदि हमारी कोई माता है तो कौन है, माता कौन है हमारी राधा माता, राधा राधा रानी रानी, श्रीमती राधा रानी है, कृष्ण है, राधा कृष्ण ही कृष्ण हमारे माता, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, तुम्हें व कृष्ण बंधु च सखा तुम्हें, तो ये याद रखिएगा। हाँ, राधा रानी तो क्योंकि भगवान से प्राकट्य उनका होता है, इसलिए हम लोग राधा रानी को अपनी माता स्वरूप मानते हैं, लेकिन हमारे माता पिता दोनों कृष्ण हैं। हम लोग भौतिक के प्रकृति का इस प्रकार उत्पन्न होते हुए, जैसे देखिए एक्चुअली में हमारी प्रकट कैसे होती है, हम सब लोग ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, अरे चतुष कुमार वो बोलते कि मैं नहीं बड़ा होऊंगा, ब्रह्मा जी वो मानस पुत्र वो भी बोलते कि मैं, अब होती कि भाई क्या करे समझ में नहीं आता, तो उन्होंने क्या किया, शत्रुपा और स्वयंभू मनु को प्रकट स्वयं किया, और स्वयंभू मनु और शत्रुपा को अपने दोनों शरीर के दो भाग से प्रकट करके बोले कि जाओ तुम लोग मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। तो उसी मैथुनी सृष्टि के आधार पर शुरू में तीन पुत्री हुई, अकुति प्रसूति और देवहूति, इधर में उत्तानपाद और प्रियव्रत, और इससे आगे आगे जैसे बहुत दक्ष प्रजापति, रुचिक प्रजापति, उसके बाद कर्दम मुनि, उनके उनकी कन्याएं, नौ कन्याएं हुई, उनकी शादी हुई, ऐसे ऋषि ऋषियों का वंश जो है वो आगे चला। लेकिन ये कैसे हुआ, ये मैथुनी शक्ति से, मैथुनी शक्ति मतलब माता पिता के समागम से बच्चे का, तो पर्ख नली मतलब जो होता है ना फेलोपियन ट्यूब, उसके द्वारा जो है बच्चे को स्थापित गर्भ में होती है, और गर्भ के द्वारा माता जो है बच्चे का सृजन करती है, और विविध रूप से अलग अलग योनियों में अलग अलग तरीके से होता है, और उनका प्राकट्य होता है इस धरती पर, लेकिन प्रकृति के प्रभाव के अंदर में, क्योंकि प्रकृति तो पूरी बने, इसी प्रकृति के अंदर में हम सब लोग हैं,
हम बद, यहां पर बार बार मैं बद जीव का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग प्रकृति के अधीन ही है। इसलिए भगवान को, भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि सभी जीवों को के प्रति पिता, अच्छा ये बताइए, पिता का स्नेह सबके साथ होता है कि नहीं? अपने संतानों के साथ होता ही है ना। तो गीता में 11.43 में एक्चुअली में अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, आप चर और अचर समस्त प्राणियों के पिता हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान को कहते हैं, आप ही परम पूज्य हैं, और भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार सभी के द्वारा पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र के द्वारा पिता पिता पूज्य होता है। जब पिता आपके सामने में आते हैं तो हम सब लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं ना, झुकते हैं। मतलब दिन में अगर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहे पिता, उनसे बात हो जाती है तो उनके उनके आवाज को सुनकर इतना स्नेह मिलता है, इतना प्रेम मिलता है। तो वो जो प्रेम है वो पिता से प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि और सभी प्राणियों को किससे स्नेह प्राप्त होता है? सभी प्राणियों को, सभी योनियों में, मतलब प्राणियों सभी योनि, चर चर अचर जितने भी, सभी को किससे स्नेह प्राप्त होता है? कृष्ण से स्नेह प्राप्त होता कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण को हम पिता स्वरूप भी बोलते हैं। देखिए द्वारका जो निवासी जो लोग थे ना भगवान श्री कृष्ण, मैं जस्ट कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आप लोगों को आगे हम लोग करेंगे। द्वारका निवासी लोग जब थे, भगवान कितने साल तक रहे थे? अभय प्रभु उस दिन कमेंट्री में बता रहे थे इतना इतना सौ दिन तक। पच्चीस साल 26 125 साल हाँ भगवान तो 125 साल रहे थे, लेकिन द्वारका कब चले गए थे? जब 18वीं बार जब युद्ध आए, कितने साल का उम्र था उनका? 96 years he stayed there probably. Ninety तो हाउ मेनी इयर्स? six years he stayed in द्वारका. हाँ ही स्टेड मैक्सिमम टाइम इन माता जी इन द्वारका वाली, एक्चुअली आउट ऑफ 125 ईयर्स मैक्सिमम टाइम ही स्टेड इन द्वारका। ही स्टेड इन गोकुल वृंदावन एंड नंद गांव फॉर 11 ईयर 2 मंथ सब रफली एज फार एज आई रिमेम्बर, एंड रेस्ट अ पार्ट ही केम टू मथुरा, ही केम टू वृंदावन एंड देन ही स्टेड देयर फॉर लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट वॉज सम नियर नियर अबाउट 30, 10-11 साल लिखा है प्रभु 11 साल तो वो मथुरा है। आगे और जी. आगे पढ़िए, उसमें दिया होगा सीक्वेंस में, ठीक है। अभय प्रभु एक बार देख के बताएंगे। तो उतना 20th year to 124th year प्रभु जी. 124th ईयर माता जी? नो नो नो, व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट व्हेन व्हेन डिड ही लीव, व्हाट एज ही लेफ्ट मथुरा फॉर द्वारका व्हेन जरासंध वाज अटैकिंग? 32 years प्रभु जी. हाँ 32, हम 30 32, ओके 32 ईयर्स रफली, तो 32 ईयर्स। हाँ वो सब उन्होंने शेयर कर दिया फाइल, तो 32 ईयर्स। हाँ तो द्वारका में जब वो गए तो सबको लेके गए, जिन्होंने आंख बंद किया नेक्स्ट डे द्वारका में गए, और द्वारका को पहले से उन्होंने बोल दिया था, द्वारका को पहले से बता दिया था, द्वारका मतलब द्वारका बनाने के लिए किसको बोला था? विश्वकर्मा जी को, बोलिए कर्म हाँ तो आप द्वारका बनाकर तैयार रखिए। और जैसे लोग वहां पहुंचे सब लोग अपने अपने घर में अलग अलग, देखिए भगवान भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, उन्होंने वहां पर प्रकट, तो प्रत्येक क्षण उन लोग जो, क्योंकि भगवान का 125 32 साल करीब, मतलब 68+25 रफली 90+ ईयर्स भगवान द्वारका में रहे। बीच बीच में वो इधर उधर जाते थे लेकिन मेजोरिटी टाइम द्वारका में, द्वारकावासी उनको अपने पिता स्वरूप मानते थे। भगवान कृष्ण के कितने पुत्र थे? भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? नहीं मालूम प्रभु जी, अनिरुद्ध ही मालूम. ओके बता देता हूं, भगवान श्री कृष्ण के, अच्छा अच्छा भगवान कृष्ण की कितनी, अच्छा चलिए भगवान मैं आप लोग को रटवा देता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,008 प्रभु जी. ना 16,108, सॉरी 108 ओके मल्टीप्लाइड बाय 10, तो प्रभु 1 लाख, हाउ मच? 1,60,108 चिल्ड्रेन, एवरी एवरी क्वीन हैड 10 चिल्ड्रेन फ्रॉम हिम, एंड देन All those 10 children were had another 10. So you can imagine if you multiply it again by 10,
सो इट कम्स टू सम 16 लाख, 16 लाख ऑफ हिज किंगडम पीपल, आई मीन हिज ओन फैमिली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर द्वारका, द्वारका से भी जितने लोग आए थे. तो अभी नाउ यू विल रिमेम्बर, समबडी आस्क यू, यस प्रभु जी, ओके, प्रभु जी 16,108 इंटू 10 सन्स एंड 16,108 इंटू 10 इंटू 10 ग्रैंड सन्स एंड फर्दर ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन ऑल्सो, बिकॉज कृष्णा हैड सन नेम प्रद्युम्न, देन प्रद्युम्न सन वॉज अनिरुद्ध, अनिरुद्ध अनिरुद्ध सन वॉज राम, नाम जल्दी राम, याद नहीं मुझे नाम भूल गए, राम ब्रज नाम, राम ब्रज नाम, ब्रज ब्रज नाम, नाम ब्रज नाम. तो ओके नाउ ठीक है, नाउ विल गो अहेड विथ आवर श्लोक, अदरवाइज इट विल बोल. सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु, लेकिन भगवान सबको साथ में लेके चले भी गए, ना सबको नहीं लेके गया, ब्रजनाथ को बहुत छोड़ कम दिए, लोग ब्रजनाथ बचे थे ना, ब्रजनाथ बचे थे, मतलब को हाँ बहुत उन्होंने कम लोग बचे थे ना। ने, कुछ पत्नियां भी उनकी बच गई थी, वो जुनो भागवतम उद्धव जी से सुना था मथुरा में आकर, तो कुछ लोग थे, भगवान ने कुछ लोगों को छोड़ा था, वो बाद में उन लोग भी वहां से प्रस्थान कर गए. मैक्सिमम लोगों को लेकिन साथ में लेके चले गए, इतने लोग नहीं थे हाँ, उनके पास। मेजोरिटी को लेके चले गए थे. ये आजकल के यदुवंशी लोग बोलते हैं कि हम यदुवंश, अरे भैया काहे का यदुवंशी, भगवान कब का, भागवतम में लिखा हुआ सबको लेके चले गए, वृश्रि डायनेस्टी, गोप डायनेस्टी, कोई भी जितना चार चार प्रकार के उनके डायनेस्टी सबको लेके चले गए. तो खैर ठीक है, हम सब लोग, ये हमारा सौभाग्य है. वो लोग क्या बोलते थे, ये बोलते हे कृष्ण, आप हमारे पिता, आप ही हमारे माता, आप ही शुभचिंतक, प्रभु पिता गुरु सब आराध्य देव, सब कुछ आप ही, हम आपसे प्रार्थना करते कि कृपया हम को छोड़कर मत जाइए, आप ही ने हमें पाला है, और यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपकी उपस्थिति के कारण हम आपके शरण में रहते हैं, इससे बढ़कर और सबमिशन क्या हो सकता है. इसलिए द्वारका जो है ना वैभव नगरी कहा जाता है, द्वारका जो है वैभव नगरी इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अभय प्रभु कहाँ चले गए, ओके, तो द्वारका नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वारका में भगवान ने अपने से सबको सृजन किया, द्वारका में भगवान ने सबका ख्याल रखा, भगवान द्वारका. अच्छा वृंदावन में क्यों कहा जाता है, वृंदावन श्रेष्ठ क्यों माना था, कि भगवान ने वहां पर सबको प्रेम बांटा, फिर भी कृष्ण को वहां पर सब लोग भगवान नहीं मानते, पिता पिता माता नहीं मानते हैं, उनके जो सखा है भगवान को क्या मानते हैं, भगवान को अपने सखा मानते हैं, गोपियां उनको अपना प्रेमी मानती हैं, है? तो माताएं जो है अपना पुत्र मानते हैं, तो वो थोड़ा लीला और सुंदर लीला है. तो खैर ठीक है, सो कृष्ण सभी प्राणियों के अविनाशी पिता हैं, ये हम सब लोग सदा भौतिक जगत में आगे चलकर देखिए, हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, सही बात है, वृद्ध विध अवस्था आती है, वो लोग चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण कभी जाते हैं, हरे नहीं कृष्णा जाते, कृष्ण, नहीं तो वो आते हैं। हमारे वो माता पिता जो है वो अविनाशी, इस भौतिक जगत में हम, हमारे माता पिता जो इस भौतिक जगत में रहे, हमें शायद चले जा, शायद नहीं छोड़ के जा चले जाते हैं एक समय आने के बाद, बड़ा दुख होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एक माता पिता जो हमेशा हमारे साथ अविनाशी रूप से है, इसलिए प्रभुपाद अतएव सर्व योनियत मूर्ति धारे एकोन्तये जानता अमर आधारे, ब्रह्म महत तो है सबर जननी, आमी बीज प्रदा पिता जगत सारणी. तो थोड़ा सा हम लोग क्योंकि तो पढ़ते हैं ना चेतन चेतन, तो बंगाली में थोड़ा सा कन्वर्जन करके उसको बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अंततः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि मैं ही सभी जीवों का बीज प्रति पिता हूँ, अतः भगवान बोलते हैं मेरी शरण में रहो. ठीक है प्रभु, विल गो, हम लोग 26 में जाएंगे. प्रभु हाँ 15 15 मिनट, 15 मिनट 15 मिनट लगेगा, और तो हम लोग उसको कर लेते हैं 26, दो चार 5 10 मिनट आगे पीछे होगा, आप लोग से मैं आग्रह करूंगा आप लोग रहिए प्रभु. वो रिकॉर्डिंग बंद हो गया, मतलब सॉरी लाइव बंद हो गया.
मैंने बंद कर दिया एक्चुअली, वो चल नहीं रहा। वो चल नहीं रहा है क्या? अच्छा ठीक है, मैं उसको सेटअप कर रहा हूँ अभी, नेक्स्ट क्लास से मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा। अच्छा ठीक, ओके ओके का। हाँ हरे कृष्णा, कोई लीड करिए। हरे पढ़ू कृष्णा, जी मैं। हाँ बोलिए। मा, मा, माई मा, माता जी प्लीज, मैं देख नहीं पा रहा, एक मिनट। चयोव्यभिचारेण, माम माता जी माम माई चयोव्यभिचारेण भक्ति भक्ति योगेन योगेन सेवते, सेवते का गुणान समति तैतान समगुणान समयति तेतान, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म ब्रह्म भूयाय भूयाय कल्पते। कल्पते माई च योग्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते माम च ये अभिचारेण भक्ति भक्ति योगेन सेवते। योगेन गुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान समयति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कल्पते माई च योग्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम चाया अवे भक्ति चारेण भक्ति योगेन सेवते, सा योगेन गुणान समयति तथा ब्रह्म भूया कल्पते। माता जी, ट्रांसलेशन पर हम ट्रांसलेशन अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य, अच्छा तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित है, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है। उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णता दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को लांगा जा सकता है। कृष्ण भावना भावी या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने के कण कण सोने की खान के अंश है, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टि तत्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टि तत्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी
सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मक से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मैव सन्न ब्रह्मेप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्म तत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। हरे कृष्ण। अरे कृष्ण प्रभु नीचे ले, हाँ नीचे ले, नीचे ले गए ना, ठीक है अभी ये हो गया। ओके प्रभु अभी, हाँ ठीक। हाँ तो मैं, हाँ मैं भी बुक से ही देख रहा था, बाकी कुछ लोग के पास अगर बुक नहीं होता, मैं ये सोच रहा था सबके पास मैं बुक है ना। बुक से ही पढ़ रही थी प्रभु जी। हाँ आप तो बुक से पढ़े तो मैं देख रहा। हाँ हाँ नहीं क्योंकि ये क्लास फिर मौका नहीं मिल जाएगा, जो कोशिश करिए किताब सामने में रखें, ठीक है। मान लिया जाए कि कुछ कार्य है, लेकिन किताब तो जरूर पढ़ जब है तो। सर प्रभुपाद कितना सुंदर पढ़ बना रहे हैं, ठीक है प्रभु। मैं थोड़ा सा इसका विश्लेषण करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मभूत अवस्था में भक्त श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान अभी ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बताते हैं, क्या वो बोलते हैं कि क्योंकि कृष्ण को प्रश्नों का जवाब तो मिल रहा, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न, एक्चुअली में 22 23 24 25 हम लोग जब सार करेंगे उस समय में क्वेश्चन प्रश्न का जो है, प्रश्न और उसका क्या जवाब है हम लोग उस समय में देखेंगे। अभी मैं आपको अर्जुन ये सब होने के बाद 26वें श्लोक में वो सोचते हैं कि मेरे पहले दो प्रश्नों का तो उत्तर भगवान ने दे दिया है, तीसरे प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं कि व्यक्ति किस प्रकार से तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकल सकते। कौन सा तीन गुण का प्रभाव? प्रकृति के तीन गुणों का से कैसे वो अतीत हो सकता है, मतलब किस प्रकार से उससे बाहर निकल सकता है। तो अंदर भी भगवान समझ गए कि अर्जुन क्या सोच रहे हैं। भगवान ने अर्जुन के बारे में सोचा तो उन्होंने क्या बोलते हैं आप लिख लीजिए आप लोग, मेरे ख्याल से शायद इस फोर्थ वाला में मैं आप लोग को थोड़ा जगह रख के रखिए, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा क्या क्या लिखना है। अभी आप सब लोग लिखिए ये जो 26वां श्लोक का, जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा कृष्ण की सेवा करता है तो वो प्रकृति के तीनों गुणों का, तो मैं प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव भगवान क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, माम च या अव्यभिचारी न भक्ति योगे न सेवते। जो व्यक्ति अव्यभिचारी व्यक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है वो प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से बाहर निकल उसको प्रकृति के तीन गुण। तो अब प्रभु आप सब लोग पूछेंगे प्रभु जी ये बात तो ठीक है, लेकिन पूछना चाहिए प्रभु जी आप लोग को प्रश्न उठना चाहिए, क्या प्रश्न है, ये अव्यभिचारी का क्या मतलब है। प्रभु जी, मैं भी वही पूछ रही थी। अव्यभिचारी क्या है? अच्छा तो आप पूछा क्यों नहीं आपने, नहीं, मैं बोल रही थी, आप बोल रहे थे। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे शब्द ही नहीं हाँ पता प्रभु जी, अव्यभिचारी क्या होता है? तो भक्ति में व्यभिचार का अर्थ है कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की भक्ति करना, ये व्यभिचारी। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कैसा व्यभिचारी आदमी, एक कैसा व्यभिचारी स्त्री है कि अपने पति के रहते हुए दूसरे के बारे में सोच रही है। तो मतलब इस तरह का बात मैं बोल रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल देने के लिए कि एक पत्नी को पतिव्रता का धर्म पालन करते हुए एक पति को भी पतिव्रता का पत्नी व्रता का होना चाहिए, दोनों के लिए है, ऐसा नहीं खाली पत्नी के लिए है। कहने का मतलब है कि ये धर्म निष्ठा स्थापित करने के लिए ये चीज को बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, व्यभिचारी कहलाते। अव्यभिचारी का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो फिर बोलेंगे कि आपको देवताओं का, तो आप देवताओं का भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब पूजा कर दिए भगवान के लिए शंख बजा दिए, यही हुआ भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब है पूर्ण रूपेण भगवान को शरणागति लेते हुए उनके चरणों में स्थापित होना। तो देवताओं का आप कृष्ण की भक्ति करिए, देवताओं की भक्ति नहीं करिए। तो लोग बोलेगा, कुछ लोग बोल सकते हैं ना प्रभु जी ब्रजवासी जो लोग थे, ब्रजवासी लोग भगवान के सबसे प्रिय थे, भगवान साक्षात उनके साथ में रह रहे थे, तो ब्रजवासी लोग क्यों इंद्र की पूजा करते थे। पूजा और भक्ति में अंतर है,
दोनों को एक मत समझिएगा, पूजा और भक्ति में अंतर है, इसको हमें बहुत ध्यान रखना। आप देवताओं की देखिए, ब्रजवासी लोग इंद्र इंद्र को प्रश्न करने के लिए, ब्रजवासी इंद्र को प्रश्न करने के लिए एक, हरे कृष्ण प्रभु, नमस्कार प्रभु, आई एम इन क्लास, आई कैन आई कॉल यू आफ्टर 15-20 मिनट्स? ओके, हरे कृष्ण प्रभु। तो हम सब मैं क्या बोल रहा था अभी आप लोगों को, हाँ, ब्रजवासी, तो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, किसकी कामना उनकी, देखिए उनकी कोई कामना नहीं थी, वो यही सोचते थे कि इंद्र वरुण, इंद्र की पूजा करेंगे तो वरुण जो है बारिश देंगे, बारिश देंगे तो गिरि गोवर्धन जो है गिरिराज पे बारिश गिरेगा, तो वहां पर फिर क्या होगा, घास पत्ते पेड़ पौधा फल फूल इत्यादि सब वहां प्रकट होगा, तो इसलिए वो लोग उनकी पूजा करते थे इस कामना से। लेकिन ब्रजवासी लोग को कोई भौतिक कामना नहीं थी इंद्र से, वो सिर्फ यही चाहते थे कि वो जगह समृद्ध रहे, जैसे उस समय में गौ माता एक एक आदमी के पास लाखों लाखों में थी, तो उसका संरक्षण कैसे होना चाहिए, उसी कामना से करते थे, पूजा करते थे, भक्ति नहीं करते थे। अब आपसे एक और उस समय की बात है कि व्रज, जो व्रज कन्याएं थी उन्होंने क्या किया था, हरे कृष्ण, व्रज कन्याओं ने क्या किया था, कात्यायनी का व्रत किया था कृष्ण कात्यायनी देवी का उन्होंने व्रत किया, पूजा किया, तो अरे को भगवान अपने पति कृष्ण, रूप में पाने के लिए, कृष्ण हाँ, तो को उनकी पति क्या, रूप में, पति हाँ ठीक है, उनकी रूप इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने। में। तो अब आप बोलेगा कि प्रभु जी यहाँ पर कामना तो है ही ना, कामना है, लेकिन ये शुद्ध कामना है, जो भगवान को अपना पति मानना चाहता हो वो शुद्ध कामना है, उसमें कहीं पे भी विशुद्ध मतलब एकदम कहीं पे भी उसको अशुद्ध नहीं बोल सकते, जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। तो वहां पर भी ब्रज कन्याएं, ये क्वेश्चन उठता है बहुत बार, लोग पूछते हैं कि प्रभु जी ब्रज में भगवान रहते हुए भी पूजा जो है, ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, कन्याओं जो है वो जाकर कात्यायनी देवी की पूजा करते थे, अरे करते थे, लेकिन उनकी अभिलाषा क्या थी, दोनों अभिलाषा मैंने आप लोग को बताया, श्री कृष्ण ने, अच्छा गजेंद्र मोक्ष तो आप सब लोग जानते हैं, गजेंद्र मोक्ष ने क्या किया अंत में, गजेंद्र जब सब कुछ हो गया उनको लगा कि अब तो जीवन हारा, मैं गया पानी के अंदर, नाक तक पानी घुस गया, शक्तिशाली गजेंद्र सोचता था कि मुझसे ज्यादा जो कोई और शक्तिशाली था ही नहीं, और था भी शक्तिशाली, ऐसा कोई था नहीं, था भी बड़ा शक्तिशाली, लेकिन यहाँ पर तो जल विरुद्ध क्षेत्र में जाकर वहां पर किसी दुश्मन से अगर युद्ध हो, शत्रु से युद्ध हो, तो क्या होगा, आप हारेंगे ही, जहां आपको कुछ भी पता नहीं है, तो जल में हाथी उतना ही देर तक रह सकता है ना, जितना देर तक हाथी देखता है कि हाँ जल मेरे ऊपर ना आ रहा, लेकिन वहां का जल का राजा कौन है, मगर है, मगरमच्छ ने आकर पकड़ लिया, और वो भी ताकत लगा, ये भी ताकत लगा, अंत में जब हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ, अव्यभिचारिणी भक्ति करते हुए भगवान, वो देखिए जब गजेंद्र की ये युद्ध हो रहे, कितने साल तक चला था युद्ध, 1,000 1,000 ईयर्स तक युद्ध चलता रहा, संघर्ष एक चलता रहा, सभी देवता लोग ऊपर से देख रहे थे, कोई भी आकर गजेंद्र की सहायता नहीं, गजेंद्र को जब देखा कि सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया, तब जाकर उसको क्या याद आया, बिना कोई विचार, बिना कोई, हे नाथ अब तुम ही, तुम्हारे मैं शरण में, हे इंद्र कृष्ण, आपको शरण, हे, अब तो जीवन हाँ हारे। कोमज, संदीप तुलसी का भजन है प्रभु जी, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। जीवन हारा, वो गजेंद्र बेचारे गाने लगे, एक कमल का फूल उठाया भगवान थोड़ा बस, और भगवान तो गरुड़ जी को पकड़े, गरुड़ जी बोले उड़ो जल्दी भाई मेरा भक्त कष्ट में है, गरुड़ जी बोलते कि मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता हूँ, भगवान बोले तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, ऐसा कभी सुना, भगवान ही बैठा लिए गरुड़ जी को अपने ऊपर में, ए तो तुम बहुत तुम धीरे जा रहे हो, जा सीधा उड़ के चले आए, तुरंत सर्वसासन चक्र चलाया, और मगरमच्छ जो कि एक्चुअली वो भी एक गंधर्वी था, हु उसको भी मुक्त किया, और गजेंद्र को मुक्त नहीं किए, क्या किया उन्होंने, सीधे लेते चले गए, देखिएगा एक चित्र है भागवत में,
गजेंद्र पीछे पीछे जा रहा है भगवान का, अभी भी जा, अभी भगवान अभी भगवान भी जा के है, पीछे पीछे जा रहा है, देखे चित्र देखे हैं हाँ प्रभु जी उसके पीछे चित्र पीछे के। हाँ उसी भगवान, उस समय में स्वरूप तो हाथी का ही दिखा रहा है लेकिन भगवान के लोक को उतर। तो ये है भक्ति का प्रभाव, अव्यभिचारिणी भक्ति का। तो हम सब लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान के पास पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप भी हैं। कहाँ पे हैं? हमारे हृदय में, हमारे वक्षस्थल में। जैसे ही भगवान समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्णता मेरी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, कृपा याचना ही तो कर रहा था वो, कृपा याचना कर रहा था, भगवान तुरंत ही कार्रवाई करते, कार्रवाई करते, ऐसा कार्रवाई करते हैं कि गरुड़ जी, मतलब मैं सुना एक बार महाराज से एक कथा सुन रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कि दुख प्रकट करे कि खुशी प्रकट करे भगवान, वो बहुत जोर को जोर चिल्लाने लगे, अरे तुम लेट कर दोगे, तुम बैठो मेरे कंधा पे। भगवान का सोचिए, भगवान का वाहन जो है भगवान के ऊपर बैठा हुआ। खैर, तो इसलिए कहते हैं कि भावपूर्ण स्तुति से भगवान तुरंत ही हमारे समक्ष प्रकट हो जाते। हुए थे कि नहीं ध्रुव जी के लिए, हुए थे कि नहीं नारद जी के लिए, नारद जी जब दासी पुत्र थे हुए थे ना, प्रहलाद जी के लिए आए थे कि नहीं भगवान? आए थे, खंभा से निकल के चले आए। कोई सोचा भी नहीं होगा कि कोई भगवान का जन्म खंभा से हो जाए, ऐसा कभी किसी ने सोचा है? अभी तो मैंने आपसे बात कर रहे थे कि हम सबको किसी ना किसी योनि से, मतलब भगवान का योनि, भगवान का कौन सा योनि है? अरे खंभा से कोई कोई योनि है क्या? भगवान भगवान से प्रकट हो गए, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसका देखिए, बहुत बार हम सब लोग ना सोचते हैं कभी कभी कि देवता लोग, अरे हमें उनका डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे कोई, बहुत मुझसे कोई किसी ने पूछा कि देवता लोग का, यार भाई देवता लोग भी बिना अविनाशी नहीं है, उनका भी विनाश होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनका समय पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है, हम सब लोग का कम होता है, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, यस भगवान क्या बोलते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अर्थात यदि कृष्ण प्रश्न है तो पूरा जगत प्रश्न, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आप लोग को बता दिया था व्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा। दूसरा है कि तीन गुणों को लांघकर ब्रह्मभूत होने की के योग हो जाता है जो भगवान के ऐसा भक्ति करेगा अव्यभिचारिणी भक्ति का, तो वो इन तीन गुणों को लांघ कर मतलब पार करके ब्रह्मभूत होने की योग्यता प्राप्त कर। तो वो कैसे है? भगवान भगवान यहाँ पे बताते हैं कि संकल्प लेकर यदि कृष्ण या उनके पूर्णांशों की से, पूर्णांश मतलब भगवान के अवतार के पूर्णांश, जो अभी रूपात ने बहुत सुंदर लिखा है एक्चुअली, पर सब कुछ उन्होंने वही, मैं वही से थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा सा संकल्पित कर कर और प्रकृति के पूर्णांशों की सेवा करके प्रकृति के गुण को पार कर सकते, प्रकृति के गुण को, अगर आप नृसिंह भगवान को पूजा करते हैं या भगवान श्री रामचंद्र जी को आप करते हैं, तो क्या वहां से आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा? निश्चित होगा, आप तीनों के प्रकृति के गुणों को पार कर जाएंगे। व्यक्ति और श्री कृष्ण के शरण करने पर तुरंत प्रकृति के गुण का प्रभाव जो है निष्क्रिय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का जवाब क्या देते हैं, जो कि एक्चुअली में भागवतम का 11th कैंटो 25th चैप्टर का 26th श्लोक है। हम दो श्लोक में ना जाकर उसका जो क्रक्स है, जो उसका जो एसेंस है उसको समझते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय लेता है वह निर्गुण बन जाता है, निर्गुण बन जाता है, तात्पर्य मतलब कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के निर्देश, प्रमाणिक प्रतिनिधि कौन है? गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, उनके निर्देश अनुसार काम करना, तो उसकी स्थिति क्या होती है? दिव्य हो जाती है। क्या होती है? दिव्य हो जाती है, और प्रकृति के तीनों गुणों के परे माना जाता है उसको। उसके बाद वो प्रकृति का गुण का प्रभाव उसमें कोई फर्क, ये वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको, और वो कोई भी कर्म कृष्ण के चरणों में रहकर समर्पित होते हुए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए करता है। इसलिए प्रकृति का गुण का क्या प्रभाव रहेगा? हम सब लोग जब जान ही जाएंगे कि हमको कृष्ण के लिए करना है, तो क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने कल्याण की विचार कभी नहीं करता है वो, उसको कि मेरा मुझे ये हो जाए। मैं, हम सब लोग अभी भी चेष्टा क्या करते हैं, मेरा 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 कि मेरा ऐसा मेरा वो,
मैं ऐसा पैसा जमा कर दूंगा, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा ये। तब तक तो हम लोग इस मृत जगत में प्रकृति के प्रभाव में रहेंगे। बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत आसान भी है। आसान कैसे है? भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आओ। महाप्रभु बोलते हैं कि और वो शरण कैसे होगा, कैसे होगा शरण बताइए। गुरु बोले हाँ, वेरी सिंपल आंसर, के बाय चरण। डूइंग जप, जपा करिए ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। एक और एक मात्र है कार्य, कुछ और नहीं, बस जप करना है ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को स्मरण करते हुए। यहाँ तो लोग लगे रहते हैं पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक व्यक्ति ने बोला भी ठीक है, यज्ञ करना कोई गलत बात नहीं, यज्ञ जो है अवसर पर किया जाता है, लेकिन यज्ञ करिए आंख से आंसू बह रहा है, वो सर जो है घूम रहा है, प्यासे आदमी परेशान हो रखा है, भैया ऐसा यज्ञ करके क्या बात है। भगवान को उतना 10 मिनट थोड़ा सा शांति से आप जप कर लीजिए ना। कौन बोल के गया है? महाप्रभु खुद बोल के गए कि कलयुग का धर्म है कलौ नास्ति। देखिए कलयुग का हरे नाम केवलम, क्या है हरे नाम केवलम, इसका मीनिंग तो समझ में आता है ना। केवलम का मतलब क्या? केवल केवल हरे नाम का लेना। कलौ नास्तेव 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 था। तो फिर वो सोचना क्या है, तो भगवान उन्होंने कहा कि नंद चाहे जैसे नंद महाराज कहते हैं कि उन्हें अपने कर्मों के अनुसार ईश्वर की इच्छा से चाहे जैसी गति मिले, परंतु वो यही चाहते हैं कि उन्होंने जो भी शुभ कर्म किए हैं उसकी फल यही मिले कि उनकी आसक्ति कृष्ण में रहे। किसके बारे में बोला मैंने? नंद बाबा के बारे में। वो एक्चुअली मैं वहां से श्रीमद भागवतम से मैं लिख कर आप लोग को बता रहा हूँ। वही बोलते हैं नंद बाबा के, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर मैंने कृष्ण की, कृष्ण को पिता बनकर उन्होंने पाला। उससे कहा जाता है कि वसुदेव से ज्यादा सौभाग्यशाली नंद बाबा थे। नंद बाबा का जूता लेकर अपने सर पर कृष्ण घूमते थे, बताइए। आजकल तो बच्चे अपने माता पिता का जूता भी नहीं उठाते हैं, और भगवान कृष्ण अपने माता पे जूता डालकर अब पूरा नंद भवन में घूमते थे। माता जी किसको अभी ले आई, आप राधा रानी को ले आई, मेरा मन इधर भटक जाएगा। ठीक है, उस मेरा बहुत सारा स्नेह दीजिए उनको। तो नंद बाबा बोलते हैं कि अगर मैंने क्या है, तो पूर्ण रूप से उन्होंने कहा कि मुझे एक शुभ कर्म किया ऐसा कोई बोले तो मुझे क्या फल प्राप्त होना चाहिए? हे भगवान, मुझे कृष्ण में आसक्ति मिल जाए। वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मालूम था कि ये, उनको भी मालूम, तो मालूम क्या मतलब, मालूम तो चल ही गया था कि यही भगवान है, ऐसी ऐसी लीला किए थे। तो ब्रह्मभूत होने की योग्यता के बारे में, कृष्ण भावनावृत में होने का अर्थ है कि कृष्ण के साथ। देखिए बहुत बार हम सब लोग ना सोचते हैं कृष्ण का, हमको कृष्ण का साथ तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। सही बात है, अगर आपके मन में ऐसी अभिलाषा है तो कृष्ण सुन रहे हैं, लेकिन कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। ब्रह्मभूत का अर्थ मतलब ये नहीं होता है कि हम कृष्ण में जाकर एक हो जाए। भगवान क्या बोलते हैं कि सामान्य लोग यही समझते हैं, क्या सोचते हैं ब्रह्मभूत का मतलब, अभय प्रभु। सामान्यतः तो लोग यही सोचते हैं कि भाई ब्रह्म में तदा तदा लीन क्या बोलते हैं, हो जाए, लीन लीन हो जाए, तदात्म हो लीन। जाए। अरे ऐसा है मेरे, ब्रह्मभूत भगवान की, भगवान का ही एक्सटेंशन है। एक जिस प्रकार नमक कट भगवान, आप ऐसा बोलेगा ना कोई कि मैं भगवान मिलूं जाऊं, तो ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? भगवान ने हमें प्रकट किया हुआ, हम थे हैं और रहेंगे, जैसे भगवान थे हैं और रहेंगे, उसी प्रकार ये जो जीव है वो जीवात्मा ये रहता है। जो भगवान के पास पहुंच गया भगवान के पास है, और जो नहीं पहुंचा वो महत्व में रहता है। जब प्रलय हो गया, जो मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मा जी वाला प्रलय भी हो गया, ब्रह्मा जी भी खत्म है समाप्त, तो उस समय में क्या होता है, महात्म्य जाकर महाविष्णु, महाविष्णु संकर्षण, संकर्षण से वसुदेव, ऐसा होते हुए भगवान में जाकर स्थित हो जाता है। लेकिन वहां वो भगवान में सुप्त अवस्था में रहता है, क्योंकि उसके कर्मानुसार फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का विशिष्ट वर्तमान है। भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है अगर हम ये ना समझ सके कि हमारा कर्तव्य, हमारा जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है बताइए। हम हमेशा बोलते हैं जीवे र स्वरूप होए कृष्ण नित्य कृष्ण दास, जीवे तो नित्य कृष्ण दास है, शाश्वत रूप से हम वही है। ठीक
जन्म जन्मांतर से हमारा वही पोजीशन है, और ये जब तक हम अपने दिमाग में नहीं डालेंगे तब तक हमारा हम भटकते रहेंगे, भटकन में रहेंगे, भटकते रहेंगे इससे उससे उस पता नहीं किस किस ब्रह्मांड में जाएंगे। तो इस श्लोक का बंगाली एक्चुअली में बंगाली भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, त्रिगुण अतिक्रम ये कार्य कर ये से ही से अमार भक्ति जाना निश्चय, ये अविचारी भक्ति यामते कर या जड़ गुण अतिक्रमे ब्रह्म भूता है या। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त जिस प्रकार से मेरे शरण में आने पर ब्रह्म भूत अवस्था प्राप्त करते हैं, उस समय वह मुझ में एक नहीं होता बल्कि वह मेरी प्रेममयी सेवा प्राप्त कर कर मेरे से एक होता है। हम भगवान से हमने प्रेममयी सेवा करके भगवान कहते हैं कि मेरे से वो एक होता है, अतः भगवान बोलते हैं कि आप मेरी शरण में आइए। फिर नेक्स्ट श्लोक प्रभु, आई थिंक ऑलरेडी 20:40, ओके कोशिश करेंगे ना वैसे पहले खत्म, राज एकादशी भी है सब लोग के लिए। लेकिन बहुत अच्छा है कि हम सब लोग आज के दिन पर या भागवतम करें या फिर भगवत गीता पढ़े, बहुत अच्छा है। आप अभी सरस माता जी हो गई, ममता माता जी हो गई, अभी कौन पढ़ेगा? वो पढ़िए ब्राह्मणो पढ़िए 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 पढ़िए। हि प्रतिष्ठा हम ब्राह्मणो ये प्रतिष्ठा हम ब्राह्मणो वेवसच्च अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य धर्मस्य कांतिकस्य सुखस्य कांतिकस्य च। प्रतिष्ठा हम अमृतस्य ब्रह्मणा अव्ययस्य च ब्राह्मणे प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य कांतिकस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम अमृत सव्यस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतस्य च। च ठीक है, पढ़िए। प्रभु पढ़िए। ब्राह्मण निराकार ब्रह्म ज्योति का ही निश्चय ही प्रतिष्ठा आश्रय अहम मैं हूँ अमृतस्य अमृत का अव्यवश्य अविनाशी का च भी शाश्वत शाश्वत का च तथा धर्मस्य स्वाभाविक स्थिति स्वरूप का सुखस्य सुख का एकांतिकस्य चरम अंतिम च भी। अनुवाद अनुवाद शीला प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तात्पर्य ब्रह्म का स्वरूप है अमरता अविनाशी अविनाशिता शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। ये तो परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं
और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार की ओर, फिर भगवान के साक्षात्कार की को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण बड़े पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु उसे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। ये तो ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में ये भी कहा गया है कि रसम हेयावम लब्ध्यानंदी भरति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्रीय, तैत्रीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद तैत्रीय। परमेश्वर तैत्तरीय है ना, हाँ, तैत्रीय उपनिषद। परमेश्वर छवो ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो वह उन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। ये तो भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रविष्ट प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले ही प्राप्त हो जाता हो प्राप्त रहते हैं। जीव यदि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने तीनों गुणों सतो रजो तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसे प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। ये तो भक्ति भक्तों को संगति करने करके भक्ति की 9 विधा श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और वह भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकता है। इसी विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक में से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आदि। आविर्भाव तथा निरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के के तुल्य तुल्य है। है।
इस हरे प्रकार कृष्ण। के 14 प्रकृति के गुण भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, आपने एंड कर दिया बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 14वां चैप्टर का अंततः अंत, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सब लोग, अरे ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था, सब लोग ऐसी बात करते हैं, बोला जाता है ब्रह्मभूत का मतलब क्या है, तो भगवान यहाँ पे समझाते हैं। एक्चुअली में अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ, अरे ये क्या है, भगवान तो बोलते हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है जो त्रिगुण के प्रभाव से ऊपर चला जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि ब्रह्मभूत का मतलब फिर क्या, हम सब लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, ब्रह्मभूत का मतलब क्या हुआ, आप निष्क्रिय हो गए, आप तो जैसे प्रभु ने कहा एकाध हम उनसे मिल गए हैं, हम उसमें समावेश कर गए, ऐसा तो इसका मतलब है मन में, तो भगवान को लगा कि अर्जुन को शंका हो रहा है, तो फिर भगवान दो तीन चीजें से श्लोक के माध्यम से बताते हैं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मतलब मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मतलब ब्रह्म मेरे से ही प्रकट हुआ है, मैं ब्रह्म और ब्रह्म को भी मेरा ही आश्रय, ब्रह्म भी, तो आपने देखा प्रभुपाद ने क्या बताया कि ब्रह्मण रियलाइजेशन, ब्रह्मेति परमेति और भगवान है, भगवान इति तो भगवान का तो परमात्मा और ब्रह्म ये दोनों का जो प्रतिष्ठा, मतलब कि उनका जो स्रोत है वो भगवान ही है, वही परम ब्रह्मण है, वही परमात्मा है और वही भगवान, तो हम सब लोग तदात्मन होने का मतलब यह होता है व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में, मतलब ब्रह्मभूत का अवस्था आने का मतलब है कि हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में बंध जाते हैं, और सबसे सबसे अच्छा है हम लोग 18 चैप्टर में पढ़ेंगे भी, हम लोग 18 चैप्टर में श्लोका नंबर 54 है, उसमें क्या बोलता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, तो भगवान क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान का स्थित हुआ, तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता, पूर्णतः प्रश्न हो जाता है परम ब्रह्म, जो या ब्रह्म भूत अवस्था जब आता है तो आप एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम खुश जाते हैं और पराभक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए ब्रह्म का प्रतिष्ठा अतः पूर्णता तभी प्राप्त होता है जब वो कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के शरण में जाकर सेवा करता है, हम सोचेंगे कि एक जगह बैठकर हम तपस्या करते रहे और हम ब्रह्मभूत अवस्था में चले गए, अचानक से लोग बोलते रहे हम तो ब्रह्मभूत अवस्था में है, अरे कपार ब्रह्मभूत अवस्था में है, भगवान की सेवा करते नहीं हो ब्रह्मभूत अवस्था में, कोई सोचता ही नहीं है लोग क्यों, और ये मूर्खतापूर्ण बात है, तो पहला चीज है कि पहला पॉइंट है मैं ब्रह्म का प्रतिष्ठान है, मैं तो सिंपल बोल देता हूं, मैं ब्रह्म का स्रोत हूं, ब्रह्म भी मुझ में ही निवास करता है, ये पहला पॉइंट है, श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण परिपूर्णता को समझने के लिए हम सब लोग देखिए, ब्रह्म के रूप में जीव कृष्ण की सेवा करता है और उस ब्रह्म को पूर्णता प्राप्त करती है, जब कहते थे कि ब्रजवासियों का कैसा भाग्य था, उनका दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनका भाग्य सौभाग्य, भगवान जिनके सामने में हो उनका भाग्य और सौभाग्य की तो कोई बात ही नहीं कर सकता है, इस बात से उनके साथ कृष्ण रहते जो जो सनातन पूर्ण ब्रह्म है, उनके साथ कौन रहते थे, कृष्ण, कृष्ण कौन है, सनातन पूर्ण ब्रह्म है, वो ब्राह्मण है तो, लेकिन वो रहते थे उनके साथ, बोलने का मकसद क्या है मेरा, ये जो मैं आप लोग से बोल रहा हूं इसका मीनिंग क्या है, हरे कृष्णा समबडी कैन टेल मी, जो मैं बोल रहा हूं कि भगवान ब्रजवासी मतलब उन गोप सखाओं के साथ या ब्रजवासियों के साथ वहां पे वो रहते हुए, तो वो तो ब्रह्म के प्रतिष्ठा है, तो लोग ब्रह्म की पूजा करता है, फिर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ जो मैं बोल रहा हूं, नहीं प्रभु जी, नहीं हरे समझ आ रहा। कृष्ण, तो कहने का मतलब ये है कृष्ण ही पूर्ण है, क्या डायरेक्ट? हम ब्रह्म की क्यों पूजा करें, गोप सखा लोग अपना कृष्ण के साथ खेल के और भगवान का अपना वो धाम मेरा चले गए, तो कहने का होता है ब्रह्म की ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने का मतलब यही है कृष्ण को प्राप्त करना, इसलिए इसलिए ब्रह्मभूत की अवस्था भगवान बताना चाह रहे हैं कि ब्रह्मभूत की अवस्था
लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं। ब्रह्म भूत की अवस्था का मतलब कृष्ण की सेवा करना, ये नहीं कि ब्रह्म भूत की अवस्था में होगा तो हम भगवान में लीन हो गए। वो तो साक्षात कृष्ण वहां पे खेल रहे थे, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, अब वही भगवान। इसलिए हम सब लोग कृष्ण की सेवा के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। अच्छा, ये आकर्षण कैसा होना चाहिए? जैसे नदियां है, नदियां जो है, गंगा मैया क्या ना, एक बार गंगा मैया को मन किया कि नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगी, मैं पूरब की ओर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा उत्तर की ओर चले जाती हूँ, मैं जहां से मैं निकली हूं मैं वहीं। ऐसा होता है क्या? नदियां कहाँ जाएंगी? समुद्र नहीं की ओर ही जाएंगी ना, उनका आकर्षण समुद्र से है कि नहीं? उसी प्रकार से जीवात्मा जो भगवान से प्रकट हो, उनका आकर्षण किससे होना चाहिए, या उनका विश्राम किसमें भगवान होना चाहिए? भगवान भगवान में होना चाहिए ना। जिस तरह से नदियां समुद्र का आश्रय लेती हैं, उसी तरह से जीवात्मा को किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना कृष्ण चाहिए। कहीं कहीं पे भी मैंने परमात्मा या ब्राह्मण का मैंने नहीं बोला, जबकि ब्राह्मण परमात्मा सब जो है एक्चुअली में थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज है भगवान का, लेकिन सब वास उन्हीं में करते। तो इसलिए प्रारंभ में अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, वो अंत में पराभक्ति बन जाता है। पराभक्ति मतलब पूर्णता, भगवान की त्रिगुण का प्रभाव खत्म, कुछ और का सोचना नहीं, अभय प्रभु का कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कि नहीं उसका सोचना नहीं, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना, मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में नहीं सोचना, वो हो जाता है पराभक्ति हो जाता है। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है, और जब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, हम समारे में हमेशा हमें हमें अलग अलग चीज समझ में आएगा। ब्रह्म परमात्मा, ब्राह्मण, भगवान, भगवान के अलावा और कुछ नहीं। हमारी चेतना भगवान में फिक्स होना चाहिए। हमारी अवस्था जो है, देखिए पहली अवस्था कैसा होता है, पहला होता है तीनों गुणों से बंधनों से मुक्त होना। मैंने दूसरा लिखा है कि अपनी पहचान ब्रह्म से कराने लगना, ये सेकंड स्टेज आ रहा है। तीसरा, जो तीसरी अवस्था जो आती है वो होता है कि हम प्रश्न, जैसे ही हम ब्रह्म ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा ना तो आप खुश होंगे। पहले क्या होता है, स्टेजेस है, तो आप खुश हो जाएंगे तीसरी अवस्था में। उसके बाद चौथी अवस्था जब आती है तो सभी प्राणियों के प्रति हमारा सम्मान हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणी में भगवान श्री कृष्ण होते हैं। उसके बाद हम जगत को अनित्य दिखा, हम उनको नित्य अनित्य दिखाई देता है, और उसके बाद हम स्वर्ग नरक की प्राप्ति में हमको उससे कोई मतलब नहीं, को हमको उससे कोई फर्क नहीं, स्वर्ग मिले नरक मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोले प्रभु नहीं, वो रियलाइजेशन उसके ऊपर चला गया, स्वर्ग नरक से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब अंत में पांचवा परिणाम ये होता है कि उसे कृष्ण के प्रति पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस समय में, जैसे ही हम तीनों गुणों से बाहर निकले, उसी समय में हमें पराभक्ति प्राप्त होती है, और यह अमृत मृत्यु को अवश्य, देखिए मैं भगवान क्या होते हैं, मैं ही अमृत का प्रतिष्ठा, अमृत कुछ समय के लिए देवता लोगों को भगवान ही प्रकट होकर अमृत पिला दिए। तो अमृत पिलाने से ठीक है उनकी आयु और ये सब भगवान ने संरक्षण किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो अमृत समुद्र मंथन से निकला, क्या उनको हमेशा के लिए अमर करेगा? नहीं नहीं, नहीं प्रभु जी, वो वह अमृत है, वह अमृत मतलब वो पी लिया खत्म हो गया, कुछ समय तक रहेगा, लेकिन एक अमृत है जो अव्यय है। अव्यय मतलब जिसका खर्च नहीं हो सकता है, और वो कौन है? कृष्ण, कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना अमृत, इसलिए उनका नाम ही दिया कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण ही, कृष्ण की। अच्छा, कृष्ण भावना अमृत का माने होता है कृष्ण की कथा, कृष्ण की कथा वो अव्यय अमृत है जिसको सुनकर का प्रभाव बढ़ते रहता है। देवता लोगों ने तो पी लिया, लेकिन हम सब लोग कथा के द्वारा श्रवण करके उस अमृत को, जो अमृत हमें प्रदान करता है, उस धर्मसी प्रतिष्ठा हम,
मैं धर्म का प्रतिष्ठा हूं जो शाश्वत है। यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि कृष्ण की कहावे, अगर हमें कृष्ण कथाओं में आसक्ति नहीं है, हरे कृष्ण, ओके, तो अगर प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, कैसे अपने आप कुछ हो गया? हाँ कुछ तो हुआ, कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा, कंबाइन कर दीजिएगा, जैसे कि क्लास हो जाएगा, हाँ वो कर लीजिएगा। तो कहा गया कि अगर पुरुषों, देखिए माताओं को अगर पतिव्रता धर्म का पालन कर, लेकिन कृष्ण भगवान में अगर रुचि नहीं जागा तो उनका जीवन व्यर्थ है, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जिस प्रकार से पुरुषों को क्या बोला जाता है कि आपको वर्णाश्रम धर्म है ना, चार अलग अलग धर्म है आश्रमों का, वर्ण आश्रम, चार आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका पालन अगर नहीं होता है तो व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हैं। भागवत में कहा गया कि जिस भी व्यक्ति को कृष्ण की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वह श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति प्राप्त करता है जो उसको पूर्णता प्रदान करती है। पूर्णता का मतलब वो भक्ति में भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। उसके लिए फिर दुनिया में दाएं बाएं कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक वह एक सूत्री कार्यक्रम, क्या, कृष्ण का आश्रय, कृष्ण का शाश्वत धर्म, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा में रुचि और कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ना, और मैं उस सुख का, और उससे क्या होगा अंततः, चौथा चीज है, मैं उस सुख का प्रतिष्ठा, मतलब वो सुख जो है वो मुझसे ही उत्पत्ति होती है। प्रतिष्ठा मतलब वो सुख मुझ में ही विराजमान है, भगवान कहते हैं जो चरम है, एकांतस्य सुखस्य ही प्रतिष्ठा हम, अर्थात मैं ही सुख का आश्रय हूं जो चरम है। आप बाकी जगह पे जाएंगे तो क्षणिक सुख मिल सकता है, जैसे आज सैलरी का दिन है, हम सब लोग मतलब आज जो है हमारे कंपनी में मतलब 30 तारीख, क्योंकि कल सैटरडे हो जाएगा, तो आज उन्होंने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सैलरी सैलरी डे है, तो हमें कितना देर तक सुख रहेगा, जैसे ही देखा पैसा आ गया चलो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी हो गई, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, ये चरम नहीं है। भगवान बोलते हैं कि रस के समुद्र, इनको इनको क्या रसेंद्र बोलते हैं, इनको कहा जाता है कि रसों के सागर, कृष्ण को जान लेना ही व्यक्तित्व के परम आनंद, दिव्य आनंद को प्राप्त करवाता है। यह सुख शाश्वत है कि नहीं? अच्छा आप सब लोग मानते हैं कि, हम इतना तो बोल दिए, इतना देर से मैं वही सुख शाश्वत है ये है वो आपको बोले जा रहा हूं, लेकिन ये सही है कि नहीं, क्यों है ये सब, क्योंकि इसका प्रमाण है, आप लोग को प्रमाण है, इसका प्रमाण है। शिव जी पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे एक दिन शिव जी पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर, और कहते हैं हे प्रिय, जिस व्यक्ति को गोविंद का शरण न लिया हो, गोविंद के कथाओं में जिसमें जिसकी रुचि ना हो, जो कृष्ण भावना भावित विकसित नहीं हुआ हो, उसको सर्वोच्च सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन वही उल्टा बोलते हैं कि जिसने गोविंद के बारे में जाना, कथा सुना, उसको चरम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि कृष्ण भावना मृत के द्वारा प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम है कि कोई अन्य और सुख जो है उसके सामने में क्षण भंगुर है, बस क्षणिक है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। इसलिए कृष्ण भाव देखिए, हम सब लोग बहुत अभिलाषा रखता है, हम लोग का कितने प्रकार की मुक्तियां हैं आप लोग तो अभी तक जानते होंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मुक्ति, पद्मावती माता पांच जी होते हरे, हैं, पांच अच्छा पांच है, ठीक है आप होते हैं, पांच सारे नाम सारे का नहीं सारे है, पांच आया पांच होता है, होता ओके, पद्मावती माता जी हरे कृष्णा, स्नेहा दो दो बार ज्वाइन कर दी, जी, सारे सारूप पे सालों पे दो देखिए देखिए डांस होती है। हाँ बोले कि पद्मावती माता जी बोल रही है, स्वरूप क्या बोल, बोलिए सीक्वेंस बताइए माता, सायुज सायुज्य जी, सालों मतलब के एक मिनट, एक एक हाँ एक एक कर, सायुज्य मतलब भगवान में, आप लोग लिख लीजिए पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सायुज्य का मतलब भगवान में परमात्मा मिले, मतलब लीन हो जाए, सायुज्य मतलब लीन हो जाए, एक दूसरा सालोक्य, सालों सालोक्य का मतलब के भगवान के साथ एक ही लोक में निवास करना।
भगवान का। और उसके बाद सारूप्य मतलब नाम से, मतलब सारूप्य। भगवान के जैसा ही स्वरूप मिल जाना। सामीप्य मतलब जैसे गोप सखा लोग अर्जुन के, हाँ भगवान के समय भगवान के साथ भगवान नित्य, हाँ के रहना। और उसके बाद सारिष्ठी। सारिष्ठी उसका मतलब क्या होता है, सब ऐश्वर्य, भगवान के समय ऐश्वर्य, जैसा ऐश्वर्य। सट ऐश्वर्य युक्त हो जाना चाहिए। माता जी आपको चाहिए दूसरा नहीं चाहिए प्रभु जी। हाँ तो आप लोगों ने लिखा सायुज्य, जी। मैंने एक क्लास पेज पे बोला था लेकिन मेरे को अभी याद नहीं है, इसमें किम प्रभु, है। नोटबुक में पूरा लिखी हूँ, मुझे याद भी हो गया है पूरा इतना। नहीं माता बीच जी बीच के में होते। हाँ पास पूरा ये है, वो ऐसा एक ड्रॉर में, एक अलमारी में इतना नोट है, इतना सारा नोट। अरे बहुत ध्यान से मैं देखा हूँ ये, मैं देखा हूँ खासकर ये मतलब माता जी को भी बहुत अच्छा से श्लोक का भी है, और सरस माता जी और बाकी सब लोग भी करते ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने सीखना सीखा है और वो दिखता है। संधि विच्छेद करना, अभी एक श्लोक में संधि विच्छेद करना बड़ा मुश्किल था, मैं देख रहा था, तो मैंने इसलिए कुछ बोल नहीं था, एकदम बराबर उन्होंने किया, जी आप इसलिए सीख मेरा। रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा बहुत सीख रही हूँ व्याकरण, थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा है ना, आपने। यही तो सीखना चाहिए, और कुछ और कुछ और सीखे ना सीखे। आप खूब सारा प्रसाद बनाते हैं वो भी मैं देखा, भगवान का श्रृंगार करते वो भी मैंने देखा, और ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, और लोगों को खुशी होनी चाहिए आपके इस चीज को देखकर। मैं खुश हो रहा हूँ जब दूर बैठकर, तो बाकी लोगों को तो जो देख रहे हैं जो वो नजदीक में, उनको तो और खुश होना चाहिए। तो संस्कृति कहने का मतलब ये चरम। हाँ प्रभु जी, हाँ बोलिए माता तीसरा जी। सर तीसरा सारूप क्या है? हाँ, सायुज्य सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारस्ट। लोक्य समीप सारूप्य, तीसरा नहीं, सारूप्य है। सायुज्य सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारस्टि। सारस्टि जो है लास्ट है, जिसमें कि सब ऐश्वर्य होते हैं। मेरे पास सीक्वेंस अलग है। ठीक ओके सीक्वेंस बताए है, सारूप्य तो का क्या है? सारूप्य मतलब स्वरूप, सेम स्वरूप मिलना, बगैर जैसे चतुर्भुज रूप मिल गया, जैसे विष्णु भगवान के पास गए तो चार भुजा, रंग सांवला रंग भगवान के जैसा, ठीक है। और एक ही है सरस माता जी, ये अगर छूट भी जाएगा तो बैठ के काम करते करते लिखते ही, इनका भी मैं देखा हूं हमेशा, क्योंकि कुछ चीजें मैं पूछता हूं तो कभी कभी ममता माता जी को पूछता हूँ कि माता कहाँ रुके थे तो बताती हैं, या फिर सरस माता जी को फोन करते हैं तो उनको उनसे पूछ लेते हैं क्या जो लोग, क्योंकि वो लोग बराबर फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ पे रुकना है कहाँ कैसे। ठीक है, हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। तो कृष्ण की सेवा, अगर हमें कृष्ण की सेवा में मुक्ति मुक्ति नहीं दिलाई, भगवान प्राप्त करा दी, मुक्ति नहीं भगवान साक्षात भगवान प्राप्त करवा दी। इसीलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते क्या है, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करने का इतना इच्छुक होता है कि उसके उसके लिए किसी भी प्रकार के, पांचों प्रकार के जो भी मुक्ति आए उसके लिए कोई महत्व नहीं, वो कोई महत्व नहीं। भक्त के लिए भौतिक या आध्यात्मिक संपन्नता से कोई भी सरोकार नहीं, कोई उसका उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका एकमात्र आकांक्षा या इच्छा भगवान की सेवा करने की होती है, और यही सर्वोच्च सुख है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वोच्च सुख भी मेरा ही आश्रय है, मैं ही सर्वोच्च सुख हूं, सर्वोच्च सुख भी मेरा है, मैं प्रतिष्ठा हूं उस सर्वोच्च सुख का। इसका हिंदी में से जो संस्कृत से है ना, ब्रह्मेरा प्रतिष्ठा आमे अमृत शाश्वत आनंद ये सनातन आमते निहित। निहित मतलब मुझ में निहित है, अमर आश्रय से सकल असुलभ, अत मोर भक्ति है सुदुर्लभ। मेरी भक्ति सुदुर्लभ है, जिसने वो प्राप्त किया वो सुदुर्लभम, मतलब सबसे उत्तम चीज अगर किसी जीवन में अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो वह है कृष्ण की भक्ति। इसलिए मेरे शरण में कृष्ण भावना भावित बनकर वे सनातन तथा सर्वोच्च सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं।
हमारा आश्रय से ही सकल सुलभ, अतएव मोर भक्ति हय सुदुर्लभ। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है मतलब मैं ऐसा बोला कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है। एक यार एक आध का प्रश्न तो मैंने आप लोग से पूछा था, बाकी तो मैं पूछता रहता हूँ। तो प्रभु हाँ माता जी, हाउ प्रभु मेनी, जी, यस टेल मी, यस हाँ माता प्रभु जी। जी, एक्चुअली हाँ परमात्मा अनुभूति 3 टाइप्स है ना प्रभु जी, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। सो इन ब्रह्मेति मीन्स वी रियलाइज दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, द सोल हैज टू सपोज टू सर्व द लॉर्ड एंड वी हैव टू सर्व द लॉर्ड, दैट इज ब्रह्मानुभूति। यस ओके, फ्रॉम वेरी ट्रू। दैट रियलाइजेशन। ओके, एंड परमात्मा मीन्स इन एवरी लिविंग एंटिटी, वी सी इन एवरी लिविंग एंटिटी परमात्मा यस एंड वी सर्व देम, सो दैट यस इज रियलाइजेशन। सो परमात्मा वेरी दो गुड। इन भगवान, सो वी डू बोथ एज वी डू एवरीथिंग इन भक्ति योगा, सो वी से दैट भगवान रियलाइजेशन, इट इज यस अ लास्ट फाइनल वन गोल ऑफ। फाइनली यस। सो एवरीथिंग इट स्टार्ट फ्रॉम ब्राह्मण, वेरी नाइसली यू सेड। आपने बहुत अच्छे से बोला कि मतलब कि ब्राह्मण रियलाइजेशन का क्या मतलब है, परमात्मा रियलाइजेशन का क्या मतलब। अंततः ब्रह्म भूत अवस्था जो है वो भगवान के शरण में ही है। सो भगवान ने क्या कहा कि ये दोनों स्थिति, ब्रह्म ब्राह्मण रियलाइजेशन या परमात्मा, ये सब मैं ही मेरे में ही है। तो क्यों ना तुम मेरे मुझ में रियलाइजेशन करो, भगवान रियलाइजेशन करो। लेकिन वो स्टेजेस है, वो सही बात है। फर्स्ट स्टेज ब्राह्मण रियलाइजेशन है, सेकेंड में परमात्मा है, और अंत में भगवान है। तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए। वेरी राइट, थैंक यू सो मच माता जी। अब तो जा जा ऑलरेडी 12:12 हो गया। ठीक है, आप सब लोग का प्रश्न नहीं है, हम सब लोग थैंक जुड़ेंगे। माता जी थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। आप सभी लोग का से मैं आग्रह करूंगा, कल मेरा एग्जाम रख दिया है, एक्चुअली कल ही करना चाहते थे। ये सार मतलब समरी ऑफ इट फोर्थ चैप्टर 14। तो बट एनी वे संडे वी विल डू, हम लोग संडे को करेंगे। संडे को हो सकता है कि मैं 7 बजे आप लोग से आग्रह करूं, लेकिन अभय प्रभु का मैसेज आप लोग देख लीजिएगा 7 बजे से है या 7:30 बजे से। ठीक है, अगर 7 बजे से हो सकेगा 7 बजे से प्रभु जी, करके। हरे कृष्णा बोलिए। मुझे लीव लीव कर सकते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा काम हो। हाँ हाँ जाइए जाइए यस माता जी, किसी को भी, सब जिनको भी जाना है। अभी मैं भी बंद कर रहा हूँ। वांछा कल्प के पास इंद्रिय पतिता नाम पावने वैष्णव प्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय जय, भगवत गीता की जय, और आप सभी जय माताएं प्रभु जी की जय। आप सब लोग फिर हमको संडे को चौथा फोर्टीन जय चैप्टर का हम लोग समरी करेंगे। और अभय प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए, और सभी माताओं और प्रभु जी का यहाँ पर उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी महामहोत्सव की हरे कृष्णा माता जी। जी जी सभी भक्तों जी को माता जी, प्रणाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी भक्तों दोनों को प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा जय जय। मैं बंद कर रहा हूँ प्रभु जी। मैं बंद करता हूँ प्रभु, मेरे पास राइट